दोस्तों लेपर्ड सुबह सुबह उठा हूँ मैं, ये देखिए कॉलिंग हो रही है। यहाँ लेपर्ड हो सकता है या टाइगर, ये देखिए। से भागा, इसके ऊपर अटैक हुआ है। लेपर्ड पेड़ के ऊपर है कहीं, ये अभी तक कॉलिंग कर रहा है। दूसरे वाले ने भी किया सेम यही वाला, ये देखिए। जबरदस्त कॉलिंग है, मैं इनकी कॉलिंग से उठाऊं अभी। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। काश अभी बाहर निकल के आ जाए। झाड़ियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। लेपर्ड यही है कहीं, लेपर्ड ही हो सकता है। ये कॉलिंग लेपर्ड के लिए है। वहाँ पे है कहीं लेपर्ड, ये मेरा गेट है। देखिए इतना घबराया हुआ है, अभी तक कॉलिंग कर रहा है। ये देखिए, झाड़ी में नहीं जा रहा है। ये देखिए दोस्तों क्या शानदार मौसम हो रहा है। यहाँ एक ऊपर हाइट पे एक मकान भी है, तो कभी कोशिश करेंगे वहाँ पे कैंपिंग करने की। ये देखिए ये नज़ारे हैं आज एरावत के। दोस्तों अभी अभी जस्ट मेरे कॉटेज के साथ में सुनी आवाज, मोर कॉलिंग कर रहा है, ठीक है। और हम लोग उधर ही जा रहे हैं क्योंकि लगातार कॉलिंग कर रहा है, मोर लगातार कॉलिंग कर रहा है इस साइड को, और हम लोग भागते हुए जा रहे हैं बट के पीछे। ये देखिए मौसम बिल्कुल बारिश वाला बना हुआ है। ये आवाज सुनिए, धीरे धीरे कुबेर जी धीरे। देखिए मोर की कॉलिंग सुनिए, हम लोग इधर जा रहे हैं सामने क्योंकि मोर इधर से ही कॉलिंग कर रहा है।
चलिए कोशिश करते हैं छत पर से भी, क्योंकि मूवमेंट तो है आज। क्यों आज मूवमेंट है ना? कुत्ता कहाँ बोल रहा है? कुत्ता तो उधर बोलने का, उधर निकला है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुत्ता एक्चुअली बैक साइड पे बोल रहा है उधर से। देखते हैं दोस्तों, ट्राई तो पूरा मारा है हमने, अब रात को छत पे बैठेंगे और छत पर से बैठकर ट्राई मारते हैं, देखते हैं अगर आज कैप्चर होता है तो। कल तो बंदर को पकड़ के बैठा था, काफ़ी दूर था, हमने जूम किया कैमरा, लेकिन जूम की एक लिमिट है, उसके बाद तो कुछ दिखा नहीं ठीक से। तो चलिए ट्राई मारते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैं अभी छत पे हूँ, ये मेरी टेरेस है ये, और नीचे क्या बैठा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना अच्छा कर रहा है। देखिए उधर कॉलिंग हो रही है मोर की, मोर की कॉलिंग हो रही है मेरे लेफ्ट साइड पे, आवाज़ सुनिए ध्यान से। और ये खरगोश कितने आराम से बैठा हुआ है, ये मेरा लॉन है, देखिए ये मेरा लॉन है, ये मेरा गेट है, और ये है खरगोश बाबू। और आप अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं, कितने आराम से खा रहा है घास। और शाम का टाइम है अभी और मूवमेंट शुरू हो गई है। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं, कितने सुंदर नज़ारे हैं, स्काई का कलर देखिए, है ना, आज बादल कम है, चांद कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए व्यू, ये जितनी लाइट्स आपको दिख रही है ना, ये सारी लाइट्स सोलर वाली है, ये सारी जितनी भी लाइट्स हैं, इवन जो ये सेंसर वाली लाइट्स हैं ना, ये भी सोलर है। और ये हैं नज़ारे, सनसेट का टाइम, सनसेट वैसे हो चुका है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम ठंडी हवा है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो लोग अभी मेरे क्लाइंट्स अभी ये वीडियो देखेंगे और वो जिनका प्लान है, जो ऑलरेडी बुकिंग करा चुके हैं, आप लोग प्लीज़ कोई भी जब आएंगे तो वार्म क्लोथ्स लेकर आइएगा, क्योंकि अभी कैमरे में या वीडियो के अंदर नहीं पता लग रहा है, ठंड हो चुकी है और अच्छी खासी ठंड हो चुकी है। ये जो हवा चल रही है ना, ये एसी की हवा से भी ठंडी हवा है। कितने सुंदर नज़ारे हैं मेरे पीछे देखिए। और ये जो कॉलिंग आ रही है, जो अभी आप सुन रहे हैं, ये मोर की स्ट्रेस कॉल है। वो तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा मेरी वीडियो देखने के बाद कि स्ट्रेस कॉल ऐसे करता है मोर। ये देखिए आ रही है ना आवाज़। जंगल के अंदर इस टाइम पे सारे मोर चले जाते हैं जो इन खेतों में होते हैं, और इन पेड़ों पे जाके बैठ जाते हैं। ये देखिए आई ना, तो जब वहाँ से कार्निवोर्स कोई भी, टाइगर या लेपर्ड या कोई भी अगर वहाँ से निकलता है नीचे से, तो ये पेड़ से इस टाइम पे, क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अंधेरे में प्रॉपर नहीं देख पाते हैं, लेकिन इस टाइम पर वो देख लेते हैं। तो ज़्यादातर जब छत पर मैं इस टाइम पर बैठता हूँ, तो जगह जगह से मुझे ये स्ट्रेस कॉल मोर की आती रहती है, क्योंकि इस टाइम पे उजाले की वजह से, क्योंकि हल्का हल्की शाम है अभी, तो उन मोरों को नीचे दिखता होगा पेड़ पे बैठने के बाद। ये देखिए दोस्तों, मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि एक लेपर्ड का बच्चा, दो बच्चे हैं और मेल फीमेल है, यही वो लेपर्ड का बच्चा है, जो अक्सर आँखों का घेरा देखिए, इसके आँखों की लाइट कितनी बड़ी आँखें हैं इसकी। ये देखिए
ये जब भी मेरी टॉर्च उस पर जा रही है, वो अपना वो चला गया, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ये झाड़ियों में चला गया। अभी कोशिश करेंगे, इसकी माँ भी आसपास में ही होगी क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। वहाँ फोकस कीजिए जहाँ पे है अभी लाइट। ये देखिए, चलिए बहुत बड़ा साइज है, लेपर्ड क्या टाइगर भी हो सकता है। ये देखिए, ये जमीन पे खड़ा है और इतना बैठा हुआ। लाइट बस मार दो, ठीक है, वीडियो बना करो, स्टार्ट है। दोस्तों अभी अभी हमने छत पर से मेरी जो टेरेस है एरावत की, वहाँ से लेपर्ड का बच्चा कैप्चर किया, और दूर से लेपर्ड की जो फीमेल होगी जो बच्चों के साथ थी वो भी कैप्चर हुई है। पूरी कैप्चर नहीं है, आंखें देखी है बड़ी बड़ी। हम लोग अब इस अंधेरे में, ये देखिए ये एरावत का बोर्ड है, ये मेरी सेंसर लाइट है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अंधेरे में ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। अब हम लाइट नहीं ऑन रखेंगे, इसके बाद आपको शायद ही कुछ दिखे, क्योंकि अगर मैंने लाइट टॉर्च ऑन कर दी तो लेपर्ड का फीमेल जो भी है वो भाग जाएगी, मेल या फीमेल जो भी है, दूर से नहीं बता सकता हूँ, आंखें चमकी हैं। चलिए, वैसे मेरे वीडियो में ये आ गया है, तो जितना वीडियो में आया है वो मैं आपको दिखा दूँगा। अभी हम पैदल जा रहे हैं, गाड़ी से भी जा सकते थे बट गाड़ी की आवाज़ सुन के वो भाग जाएगा। अभी इस जंगल के अंदर हम ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं रात के टाइम, मैं और मदन और कुबेर जी। अभी हम लोग नाइट में ट्रैकिंग कर रहे हैं, हमने दूर से छत से लेपर्ड देख लिया है, हम उसकी वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं पैदल। अब आप ये मत समझना हम जंगल के अंदर जा रहे हैं। इस टाइम पे जहाँ मैं चल रहा हूँ ये मेरे फ्रंट गेट वाली रोड है। आप यहाँ एक बार फील कीजिए, डरी डरी मत, डरो मत, आप लोग डरो मत, डरो मत। मदन डंडा रेडी रखो, एक मिनट रुको, रुक जाओ, नीचे जमीन को दिखाओ। दोस्तों ने लाइट बंद कर दी है क्योंकि वो भाग जाएगा, अचानक से लाइट ऑन करूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। ये क्या है, देखिए दोस्तों ये येलो थ्रोटेड मार्टिन, ये देखिए दो है, दो मार्टिन है यहाँ पे। हम लेपर्ड ढूंढने आए थे, यहाँ पे हमें क्या दिखा है ये आपने आज तक नाइट ट्रैकिंग में नहीं देखा होगा। ये देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये देखिए, नीचे लेपर्ड की आवाज़ आ रही है, ये सुनो। ये देखिए कैसे, जूम कीजिए यहाँ पे इसको, बहुत अच्छे से जूम करना है, इसकी आंखों का कलर। ये देखिए, पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ नाइट ट्रैकिंग में मेरिदा एरावत के पास, ये जोड़ा है येलो थ्रोटेड मार्टिन का। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत रेयर होता है और वो भी ज़मीन पे कई बार दिखता है, बट आपको मैंने पेड़ पे दिखाया है। और यहाँ बहुत गंदी स्मेल आ रही है, इसको हम बाद में देखते हैं। अभी हम फ़िलहाल पगमार्क ढूंढता हूँ। हाँ, पगमार्क मिल गया है,
देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, आपने पहली बार लाइफ में येलो थ्रोटेड मार्टिन की आवाज़ सुनी होगी। मदन मेरे ऊपर टॉर्च मारो। देखिए दोस्तों साइड वाला, हाँ पहली बार आपने लाइफ में नाइट, मैं नाइट वॉक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने पहली बार लाइफ में येलो थ्रोटेड मार्टिन की इतनी अच्छी वीडियो, और साथ में आपने अभी इतने पास से मैंने दिखाया, एक अभी भाग गया है, एक अभी पेड़ के ऊपर है और वो कुछ अपने जो साथी है उसको आवाज़ दे रहा है। अभी मैं आपको पास से फिर दिखाऊंगा। ये देखिए थोड़ा आगे आके देखिए, वीडियो में देखिए इसका जोड़ा नीचे है, ये है ऊपर है, कहाँ गया? नहीं ये तो है, दूसरा जो भाग गया बहुत बड़ा साइज था, वो मेल था शायद, कहाँ गया? नीचे आ रहा है, ये देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, ये ऊपर से झांक रहा है, ये झांक रहा है, ये देखिए कितना क्यूट है, ये देखिए ये इसका सिर देखिए कितना क्यूट है बेचारा, लेकिन परेशान हो रहा है। ये फीमेल है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, पूछ देखिए कितनी सुंदर है, कुबेर जी से एक छोटी वीडियो बनाई है, मैं शॉर्ट्स में डालूंगा। हाँ बनाइए आप, ये देखिए देखिए कैसे जंप मारेगा, थोड़ा उधर होके लेंगे, मतलब थोड़ा टॉर्च नीचे कर लो, हाँ आने दो आने दो आने दो, देखा दोस्तों लेपर्ड के लिए निकले थे, लेपर्ड तो मैंने छत से देखा उसका बच्चे, ये होती है नाइट लाइफ, वाइल्ड लाइफ जो होती है रात में ऐसी होती है। चलो जी बाय बाय। तो मदन हमें इतना दिखा रहा है, तो दोस्तों लाइट में तब दिखा रहा साइड वाली, हाँ ऐसे। तो दोस्तों जो आपने देखा ये येलो थ्रोटेड मार्टिन है, एक्चुअली ये जब शिकार करता है, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, तो ये मंकीज पे भी अटैक करता है पेड़ के ऊपर। रात के टाइम पे जो मोर वगैरह पेड़ पे सेटल हो जाते हैं इवनिंग के बाद, तो ये क्या करता है, ज़्यादातर बहुत सारे ग्रुप में भी होता है, बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी हैं, बट इसकी साइटिंग बहुत रेयर है, मैंने बहुत बार देखा है, 3-4 बार देखा है, तो रोड पर देखा है मैंने इसको, तो आज मैंने इसको पेड़ पे देखा, वो भी जोड़ा था, और उससे पहले कोई चीज़ हमने लेपर्ड के चक्कर में आए थे, आवाज़ आई थी मतलब कूदने की, हाँ लेपर्ड की आवाज़ आई, लेपर्ड की पेड़ के ऊपर होगा, हमारा फोकस था इसके ऊपर, कोई चीज़ ज़मीन पे बहुत तेज से जंप की थी, स्मेल भी आ रही थी, अब वो स्मेल नहीं है। तो अभी फिर हम ट्राई करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको दिखाई, ये फुटेज जो है, जो वीडियो है, ये काफ़ी रेयर आप कह सकते हैं, क्योंकि दिन में आपने देखे होंगे येलो थ्रोटेड मार्टिन, रात के टाइम पे इतनी अच्छी वीडियो जो मैंने बनाई है। एक्चुअली ये मेरा जो फ़ोन मैंने नया लिया है, इसका आप उद्घाटन है ये आज, और मैं बहुत खुश हूँ कि लेपर्ड देखने आया था छत से, इवन लेपर्ड का बच्चा दिखा दूर से, मैं आपको अपनी मेरी वीडियो में देखना, आँखें चमक रही थी, तो अगर बच्चा था तो फीमेल भी पास में होगी। चलिए अभी आगे भी ट्राई करते हैं, मदन इधर करना लाइट। बात यह है कि मेरी वाली रोड है जिसके ऊपर गाड़ी चलती है और हम लोग यहाँ से अपने कॉटेज पे जाते हैं, इसी रोड के ऊपर, इस पेड़ के ऊपर जो आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ के अंदर यहाँ पे जो अभी आपने येलो थ्रोटेड मार्टिन देखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं
जंगल के अंदर जाके कुछ रूल तोड़ के कोई वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है, वो भी अपनी रोड पे चलते हुए। चलो एक मिनट, जस्ट सेकेंड, पगमार्क है ये देखो, ये रहा ये है पगमार्क, ये एक पंजा, एक ये और ये बैक वाला पार्ट। ये देखिए, ये मैंने सर्कल इसलिए बनाया है, इसका पंजा ऐसे उधर के फेसिंग में है। ये देखिए 1 2 3 एंड ये बैक वाला पार्ट। ये देखिए, ये बैक वाला पार्ट है, ये लेपर्ड का है, टाइगर का नहीं है, क्योंकि इतना छोटा ये लेपर्ड का होता है। तो जो मैंने देखा था वो लेपर्ड यहाँ से, देखिए इसका पंजा इधर को है मतलब ये नुकीला भी है, इसका मतलब ये फीमेल ही है, इसका बच्चा आसपास में ही है हमारी रोड के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आउल, सबसे छोटे साइज का आउल। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना, इतना छोटा आउल, देखिए इसका साइज देखिए कितना छोटा है। और आइए, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा कॉटेज का गेट है, बस इसके आगे है। ये देखिए उड़ गया, दिखाना। देखिए दोस्तों, जो मेरा गेट है वो सामने है, और ये देखिए रात के टाइम में आए हैं हम यहाँ पे। ये वो डॉग है जिसका किल किया है लेपर्ड ने, जो मेरी, मैंने अभी इससे पहले वीडियो डाली थी। ये देखिए, ये है वो डॉग, उसकी अब सिर्फ हड्डियाँ बची हैं, ये इसके बाल बचे हुए हैं, ये डॉग के पूरे बाल हैं, ये स्कल है, अभी भी थोड़े कीड़े वगैरह हैं इसके ऊपर। तो लेपर्ड यहीं आसपास में अब तो खैर खा चुका है, बट गेट के ठीक सामने शिकार कर रहा है। तो कितनी हैरानी वाली बात है कि गेट के सामने ही आजकल शिकार चल रहा है। तो आप छत से ट्राई करेंगे, छत से देखते हैं अगर कुछ, जैसे अभी साइटिंग हुई है वैसी होती है तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों ये है अपने अरावत का एडवेंचर, और ऐसे यहाँ पे कभी आप आते हैं तो ये मज़ा मिलेगा आपको यहाँ पे। खैर इतनी रात को हम अपने क्लाइंट्स को बाहर नहीं निकालते हैं, बट मैं अपना घूम लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी है। और मैं बहुत बार, जब मेरी प्रॉपर्टी बन रही थी तो रात को 11-12 बजे तक पैदल आया हूँ। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये रहा अपना ऐरावत। चलिए अब छत से देखते हैं क्या साइटिंग होती है। और यहाँ है, मुझे लगता है वो लेपर्ड का जो बच्चा है वो यहीं पे। ये देखिए ये रैबिट है, उधर ही देख रहा है। ये देखिए, एक ही रैबिट है, एक ही रैबिट है, दो रैबिट है। और ये ऊपर इसके शिकार के लिए मुझे लगता है, यहाँ पे अभी मैंने आंसू वक्ति देखी है बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे है वो, मैंने देख लिया उसको, वो गया नहीं है, यहीं पे है। ये देखिए, ये है, कितना सतर्क है ये जो रैबिट है, कितना सतर्क है इसका, देखिए है ना, बिल्कुल सतर्क, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। और यहाँ कहीं आँख चमकेगी, आप देखना ऊपर इस पेड़, ये जो पेड़ सा है, छोटा सा पेड़ है, इसके नीचे है वो, इधर कहीं चमक, इधर कहीं है आ गया, अभी मैंने देखा। ये देखिए, ये देखिए, देखिए 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 देखिए, ये ध्यान से देखिएगा अंदर, ये ये रहा देखिए, अब ये खाली वाली जगह पे आएगा तो ज़्यादा दिखेगा। बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है ये। इसकी मम्मी भी पास में होगी यहाँ पे। खरगोश कहाँ गया? खरगोश भी भाग गया यहाँ से। ये देखिए मेरे फ्रंट गेट की, हाँ ये रहा खरगोश। ये देखिए उधर ही देख रहा है, कितना सतर्क है, इसको स्मेल आ गई है, और वो ये चला गया। ये देखिए अब ये झाड़ी के अंदर चला जाएगा यहाँ पे, उसके बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आएगी, हमें स्मेल भी आ रही है। चला गया अंदर, ये देखिए झाड़ियाँ कैसे हिल रही है,
ये काफ़ी दूर है, ये पास में नहीं है। ये मैंने अपने फ़ोन का जो जूम है, ये देखिए, ये क्या, ये इसकी चाल देखिए, ये क्या बात है, क्या बात है। वो कुत्ता भौंकेगा, आप देखिएगा, जैसे ही इसकी स्मेल जाएगी कुत्ता भौंकने लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर से मैं जूम कर रहा हूँ इसको। दोस्तों मैंने आपको बोला था ना कि ये जब उधर मूव करेगा तो डॉग भौंकेगा। ये देखिए कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता इधर भौंक रहा है, इधर इधर कुत्ते को स्मेल आ गई है, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया है। ये देखिए सारे कुत्ते भौंकने लगे। ये अभी 4 लेपर्ड एक्टिव हैं आसपास में, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये काफ़ी दिनों से शिकार करने का, मतलब जो वो पीरियड होता है ना जब माँ शिकार सिखाती है, ये वो वाला पीरियड चल रहा है इनका। और ये गांव के आसपास आकर अपनी अपनी पोजीशन ले ली है इन्होंने, और जैसे ही डॉग्स को पता लग रहा है वो भौंकते हैं, इनकी स्मेल जाती है। तो ये रोज़ गए हैं यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी के पास। ये 4 उल्लू एक साथ देखे हैं आपने, ये देखिए ये 4 उल्लू हैं। मैंने पहले बार 4 आउल एक साथ देखे हैं, ऐसे तो एक एक तो बहुत बार देखे हैं, बट ये 4 एक साथ पहली बार।